आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन अलग अलग तरीके से बेबी कैप बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने ये तीन कलर के कपड़े लिए हैं और तीनों कपड़े से मैं आपको अलग अलग तरीके से बेबी कैप बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस कपड़े में से कैप बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये कैप मैं 1 साल के बच्चे के लिए बनाकर आपको बता रही हूँ। और इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रखनी है। तो देखो मैं 13 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। और इसकी चौड़ाई भी 13 इंच ही रख रही हूँ। तो इस कपड़े की देखो लंबाई और चौड़ाई मैंने बराबर कर ली है। अब इसके हम एक कॉर्नर को लेंगे और यहाँ से इसमें हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। इतना कपड़ा इसमें हम छोड़ देंगे और छोड़कर फिर इसमें हम प्लेट लगाएंगे। प्लेट को ना ही ज्यादा बड़ा रखना है और ना ही बिल्कुल छोटा रखना है। तो एक हिस्से में मैंने ये प्लेट डाल दिए। अब हमारा ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें भी हम इसी तरीके की प्लेट डालेंगे। तो इसको डालेंगे हम इधर की साइड से और कॉर्नर पे से सिलाई को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। और अब हमारा ये वाला हिस्सा है, इसमें भी हम इसी तरीके की प्लेट्स डाल देंगे। इस तरीके के कैप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखो ये तीन हिस्से में मैंने ये प्लेट्स डाल दी हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ज्यादा निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से प्लेट्स लग के ये कपड़ा हो गया है। और अब हमारा ये जो एक हिस्सा बचा है इसको भी हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे। और इसका हम बीच सेंटर नाप लेंगे इस तरीके से। ये इसके बीच सेंटर का नाप है। और दोनों साइड में हम छोटी छोटी यहाँ पर 2 प्लेट्स डाल देंगे। तो देखो इस तरीके से पूरे कपड़े में हमको ये प्लेट्स लगानी है। और अब इसमें हम पट्टी जॉइंट करेंगे। तो पहले करेंगे हम यहाँ पे जो हमने ये तीन हिस्से में प्लेट्स लगाई हैं, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक इसमें हम पट्टी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम नाप कर लेते हैं पहले। तो ये 12 इंच है तो हम 12 इंच की एक पट्टी काट लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा डबल है और चौड़ी काट रही हूँ मैं 2 इंच। और हम इसके उल्टी साइड से पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से सीधी साइड की तरफ हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। अब हम पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और पलटकर इसकी फिनिशिंग के साथ ऊपर की साइड में हम इसको फोल्ड कर देंगे। पट्टी आप जितनी चौड़ी यहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इसकी पट्टी ये जॉइंट कर दिया। अब इसमें हम नीचे की साइड में यहाँ पे एक पट्टी लगाएंगे और उसमें ही हम तनी को अटैच कर देंगे। तो इस पट्टी को हम लगाएंगे थोड़ा लंबा कि जिससे कि हम इसमें तनी भी बांध सके। इसके लिए हमें थोड़ा लंबा कपड़ा चाहिए। तो दोनों साइड में यहाँ पे बराबर बराबर कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा ज्यादा निकला हुआ है तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और दोनों साइड से हम कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से बांधने के लिए तनी बना देंगे। और इसको फोल्ड करते हुए सभी जगह पर सिलाई लगानी है। तो देखो इसी के साथ साथ मैंने ये बांधने वाली ये तनी भी बना दी है। 2 मैंने इस तरीके के ये कपड़े कट किए हैं और इनको मैं यहाँ पर जॉइंट करूंगी। इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ के हम इस तरीके से यहाँ पे इसको सिल देंगे जिससे कि हमारी कैप है वो दिखने में भी अच्छी लगे।
आप ये कपड़े की कैप हल्की सर्दियों में भी अपने बच्चे के लिए पहना सकते हैं। तो ये मेरी पहली कैप बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से कैप बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं आपको दूसरे तरीके से कैप बनाकर दिखा रही हूँ। तो उसको बनाने के लिए हमें गोल कपड़ा लेना है। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करके हम इस कपड़े को गोल कट कर लेंगे। तो सभी जगह से इस पर बराबर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस पर 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 6 इंच का निशान इस पर सभी जगह से लगा लिया है और इस कपड़े को मैं यहाँ से गोल कट कर रही हूँ। तो ये कपड़ा कुछ इस तरीके से कटा है, देखो ये बिल्कुल गोल है। और अब हम एक सुई लेंगे और इस सुई में मैंने ये डबल धागा लगा लिया है। और डबल धागा लगाकर हम इसमें बड़े बड़े टांकों से हाथ से सिलाई लगाएंगे। बड़े बड़े टांकों की सिलाई इसके चारों तरफ हाथ से लगा लेनी है। धागे को हम यहां से कट कर देंगे। देखो दोनों साइड से हम धागों को इस तरीके से खींचेंगे। और धागे को खींचते हुए यहाँ से हम इसको इतना चौड़ा रखेंगे जितना हमारे सर में ये फंस सके। और फिर ये कपड़ा लेना है, इसका नाप करना है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसको डबल करके इसका नाप करना है। तो इसकी चौड़ाई है 7, तो हम 14 इंच की पट्टी फोल्ड करके देखेंगे तो ये हमारी 14 इंच की पट्टी आएगी। तो यहाँ पे हम एक 14 इंच का कपड़ा कट कर लेते हैं। तो देखो चौड़ी काट रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंच। और इसको पहले मैं यहाँ से सिल देती हूँ और सिलकर इसकी उल्टी साइड में मैं इसको डाल रही हूँ पट्टी को। और इस तरीके से डाल के और प्लेट्स को बराबर बराबर करके इस पर सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से मैंने पट्टी को जॉइंट कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करके पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके हम इसकी सीधी साइड में इसको पलट के इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई बिल्कुल हमें यहाँ पर चलानी है, इसके कॉर्नर पर जहाँ हम पट्टी को फोल्ड करेंगे वहीं से सिलाई को चलाना है। और अब इसको इस तरीके से सीधा करना है। इस कैप को बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। और या इसका और भी अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे आप कोई लेस भी लगा सकते हैं। तो देखो मेरे पास इसके मैचिंग की ये लेस है और इसको मैं यहाँ पर इसमें लगा रही हूँ। और इसकी दूसरी साइड में भी मैं लेस पर सिलाई लगा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बनके रेडी हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर दोनों साइड में इसके निशान लगाएंगे चौक से। और यहाँ पर बांधने के लिए हम डोरी रेडी करेंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम डोरी बनाकर रेडी करेंगे। तो डोरी बनाने के लिए मैंने ये 2 पट्टियां काट ली हैं और इस पर मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। और इस तरीके से सिलाई लगा के बड़ी सुई से या फिर कोई भी नुकीली चीज से इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये डोरी कुछ इस तरीके से बनके रेडी हुई है। और इसी तरीके से मैं दूसरी डोरी को भी बनाकर रेडी कर दूंगी। तो मैंने ये दोनों साइड में लगाने के लिए 2 डोरी रेडी कर ली है। मैंने यहाँ पर ये जो दोनों साइड में निशान लगाए हैं यहाँ पर मैं डोरी को इस तरीके से अटैच कर दूंगी। और दूसरी साइड में भी मैं इसी तरीके से डोरी को
अटैच कर दूंगी। तो दूसरे तरीके की ये कैप भी बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपको तीसरे तरीके से कैप बनाकर दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखो इसकी लंबाई में यहाँ से कॉर्नर से ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। 9 इंच का यहाँ पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। और इसको भी इस तरीके से काटना है। और ये कपड़ा कुछ हमारा इस तरीके से कट के रेडी हुआ है। तो इसको बनाने के लिए भी मैंने ये सुई में धागा डाल दिया है डबल। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम बड़े बड़े टांकों वाली सिलाई लगाएंगे हाथ से। या तो आप यहाँ पर हाथ से सिलाई लगा सकते हैं और या फिर मशीन से बड़े बड़े टांकों वाली सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें मशीन से बड़े बड़े टांकों वाली सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। और एक धागे को हम पकड़ेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे इसकी छोटी छोटी हम प्लेट्स डालेंगे दोनों साइड से। हम एक धागे को पकड़ेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे खींचते जाएंगे। और दोनों साइड से खींचते हुए देखो कपड़े को मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटा कर लिया है। और अब हम यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे इस तरीके से दोनों साइड से धागों में। मैंने दोनों साइड से धागे को खींचकर यहाँ पर धागे की नॉट लगा दी है। अब इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और उल्टा करके इसको हम यहाँ से हाथ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसको उल्टा करके मैंने इस पर हाथ से अंदर की साइड में सिलाई लगा दी है और ये कुछ इस तरीके से बनके रेडी हो गया है। और इसका और भी अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर आप कोई बटन भी लगा सकते हैं और इसमें कपड़े का बो बनाकर भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये वाले बटन लगाकर दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर कैसी भी डिजाइन का बटन लगा सकते हैं जिससे आपकी कैप है वो और भी अच्छी लगेगी। इसमें मैं ये बटन हाथ से अटैच कर रही हूँ। तो मेरी ये तीसरी तरीके की कैप भी बनके रेडी हो गई है। आप इस तरीके से अपने बच्चों के लिए किसी भी साइज का और किसी भी कपड़े से कैप बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।